गाइस, आपको चाइना के स्ट्रीट फूड के बारे में तो पता ही होगा। वहाँ के लोग कुछ भी खा जाते हैं। वहाँ के 5-स्टार रेस्टोरेंट में एक फिश मिलती है। जी नहीं, ये कोई नॉर्मल फिश नहीं है। यार चाइना के लोग हैं, कुछ तो खतरनाक खाए बिना रह नहीं सकते। इस मछली का नाम फूगू फिश है और इसके शरीर पर बहुत सारे कांटे होते हैं। ये वही मछली है जिसको हाथ लगाने से ये गुब्बारे की जैसे हो जाती है। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, इस मछली के मांस में से 86% मांस खतरनाक और जहरीला होता है। सिर्फ 14% मांस ही खाने लायक होता है और वो भी इसके शरीर में कहीं पर भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो एक ही जगह पर पर्टिकुलर पार्ट में होगा। ये पता होने के बावजूद वहाँ के लोग इसे बड़े चाव के साथ खाते हैं और इसको हमारे जैसा कोई नॉर्मल इंसान नहीं काट सकता, बल्कि इसको काटने के लिए प्रोफेशनल सर्टिफाइड बंदा होना जरूरी है। और उसको भी इस मछली को काटने में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। वो बंदा इसमें से जहरीला मीट हटा देता है और थोड़ा सा बचा हुआ सही मीट निकाल लेता है। फिर जो इसको खाने वाला होता है, उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करवाया जाता है कि अगर वो बाद में इसको खाने के बाद मर जाए तो इसमें रेस्टोरेंट वालों की कोई गलती नहीं होगी। फिर भी वहाँ के लोग इसे बड़े चाव के साथ खाते हैं। इसको खाने से चाइना में हर साल 500 से भी ज्यादा लोग मरते हैं। क्या ये सब जानने के बाद आप कभी इसको खाना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर।